हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 32 वीडियोस की सीरीज का सेकेंड वीडियो है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम्स की जो आप लोग टीम बनाते हुए हमेशा फेस करते हो। ठीक है, आप लोगों ने सबने जीएल के लिए या फिर एसएल के लिए हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के लिए टीम बनाई होगी। ठीक है, और किसी भी ग्रैंड लीग में या जो भी आप फैंटेसी की कोई भी एप्स यूज करते हैं, आपने उसमें अपनी टीम को लगाया होगा और अपना जो है पैसा लॉस किया होगा या विन किया होगा। ठीक है, लॉस होगा आपको या तो उसमें जो है विन होगा, यही दो चीजें होती हैं। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन है कि लॉस का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। 70% से ऊपर जो है वो लॉस करते हैं, और 30% में वो क्या करते हैं, विन करते हैं। और विनिंग का भी परसेंटेज जो ये विन करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं, इस दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि इसमें 30% लोगों में से भी 80 to 90% लोग ऐसे हैं कि जितना पैसा लगाते हैं उतना ही पैसा अपना जो है रिवर्स कर पाते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं कि उस पैसे को जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस 10% में भी जो है 90% ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और 1 या 2% लोग जो है, 90 के या 95% लोग, 1 से लेके 5% लोग जो है वो प्रॉफिट ठीक ठाक कमा लेते हैं। तो आप देखिए कितना डिफिकल्ट है ये चीज को समझना और इन सारी चीजों का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। इस वीडियो में हम पूरा डीपली नॉलेज करेंगे कि आप किस टाइप की गलती करते हैं अगर आप जो है जीएल या जो है एसएल या फिर जो है आप हेड टू हेड के लिए जो है टीम बनाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये जो गलतियां हैं वो गलती बहुत नॉर्मल है, वो बहुत बेसिक गलती है। ठीक है, और वो बेसिक गलती ही क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग करते हैं, लगभग 95% से ऊपर लोग ये बेसिक गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो जो गलती है वो क्या है। आप जब भी जीएल की टीम बनाते हैं, ठीक है, इस जीएल की टीम या एसएल की टीम में बात कर लूं, या हेड टू हेड कोई भी टीम आप बना रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं, आपके पास दो टीमें हैं, T1 और T2 टीम, दोनों का जो है 11 11 प्लेयर हैं आपके पास। ठीक है, और उन दोनों में से जो है आप जोड़ेंगे तो 22 प्लेयर हो गए। अब 22 प्लेयर से आप क्या करेंगे कि 11 प्लेयर की टीम बनाते हैं, है ना, यही सिचुएशन है। अब ये 11 प्लेयर आप ये नहीं सोचते हैं कि किस टाइप के प्लेयर होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज कि किस टाइप के प्लेयर होने चाहिए, दूसरी चीज कि कौन सी टीम से कितने प्लेयर हमको लेना है, कौन सी टीम से कितने प्लेयर चाहिए आपको, है ना, ये सबसे बड़ी चूक होती है यहीं पे हमें समझने के लिए। ठीक है, कि हम अगर हमारे पास दो टीमें हैं तो किस टीम से हम कितना प्लेयर लें, ताकि हम जो जो हमारी 11 की टीम बने वो 11 की टीम जो है वो विनिंग जोन में हो। ठीक है, इस विनिंग जोन में हो, ठीक है, आप लॉस में ना जाए। ठीक है, ये हार के जो है आप लीग से बाहर ना हो। ठीक है, आपको क्या कहाँ रहना है, विनिंग जोन में रहना है। तो इस विनिंग जोन में रहने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किस टीम से हमें कितना प्लेयर लेना है। ठीक है, अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हमें क्या समझना है, ठीक है, कि किस टीम से कितने प्लेयर लेने हैं, है ना, कितने प्लेयर्स चाहिए। बट ये जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो कितने प्लेयर्स का जो आंसर है वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप जो है टीम को समझे कि कौन सी टीम किस टाइप की टीम होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की टीम होती है और किस टीम से कितने कितने प्लेयर्स को आपको लेना है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढ रहे हो तब, है ना, कि अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि अगर कोई एक ऐसा मैच है जिसमें से मान लीजिए कि बांग्लादेश का मैच है, ठीक है, बांग्लादेश का मैच है और जो है इंडिया का मैच है ना, इंडिया का मैच है, बांग्लादेश और इंडिया का मैच है। अब इस दो टीमों में से हमें सबसे पहले पता है कि जो बांग्लादेश है वो कौन सी टीम है, थोड़ी हल्की टीम है अगर आप इंडिया से कंपेरिजन करेंगे तो। ठीक है, अब टॉस जीत के बांग्लादेश ने क्या किया, बैटिंग कर लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैटिंग कर लिया और आपने जो 11 प्लेयर की टीम बनाई है उस 11 प्लेयर में क्या है कि 5 प्लेयर जो हैं आप इंडिया के रखे हैं और बाकी 6 प्लेयर जो हैं आप क्या किसके रखे हैं, बांग्लादेश के प्लेयर रखे हैं, जिसमें से जो है 4 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज है। ठीक है, 4 बल्लेबाज, ठीक है, और 2 गेंदबाज हैं, आपने ऐसी टीम बनाई है। ठीक, और इस बैटिंग ऑर्डर जो ये 5 प्लेयर्स की जो इंडिया की टीम है इसमें आपने क्या रखा है कि 4 जो है बल्लेबाज रख लिया और 1 गेंदबाज रख लिया है। ठीक है, यानी
आप सोचने की चीज ये है कि जब टॉस जीत के बांग्लादेश बैटिंग करेगी और वो अगर मान लीजिए कि जो है आपकी जो पिच है वो थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रही है बॉलिंग को, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो ये आपने प्लेयर लिए हैं, जो 6 प्लेयर लिए हैं जिसमें से 4 बल्लेबाज हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? आपको 0 रन बनाएंगे, 10 रन बनाएंगे, 20 रन बनाएंगे, 30 रन बनाएंगे और इसके अंदर ही ये क्या करेंगे, सारे के सारे आउट हो जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपने जो ये एक बॉलर इंडिया का सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो सारे तो विकेट मारेगा नहीं, है ना, उसमें से क्या होगा कि कोई और भी विकेट मारेगा। मान लीजिए कि 3 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, तो वो आज के विकेट, जैसे आज का मैच ले लीजिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, तो सिराज ने 6 विकेट मारा, 2 विकेट बुमराह ने मारा, 2 विकेट जो है कोई और ले गया, ठीक है, मुकेश मुकेश कुमार ले गया। तो आपने जो है किसी एक को इसमें से आपने सेलेक्ट कर रखा है, बाकी आपने किसको सबको छोड़ रखा है। मान लीजिए कि आपने मुकेश को सेलेक्ट कर रखा है और इन दो बॉलर्स को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है, ठीक है, तो अब ये दोनों बॉलर विकेट मारेंगे, यानी आपको जो है फिर से लॉस होगा और आप जो है लीग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, आप जो है अपना पैसा हार के उस लीग से बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है या ये समझ में आता है कि जो आपने प्लेइंग 11 बनाया है, पहली चीज कि आपने जो प्लेइंग 11 बनाया है ये तो समझा ही नहीं है कि किस प्लेयर से किस टीम से हमको कितने प्लेयर लेने हैं, पहली चीज, और वो जो प्लेयर होंगे उन प्लेयरों में से बल्लेबाज लेना है हमें, बैट्समैन लेना है या बॉलर लेना है, ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत होगी। तो इस वीडियो में हम पूरा ये डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि विद एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि टीम्स जो है कितने टाइप्स की होती हैं और अगर टाइप्स की टीम है तो किस टीम के साथ कितने प्लेयर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर जो है मान लीजिए कि जो है बैलेंस टीम है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर हम फॉलो बनाएंगे, अगर जो है मान लीजिए वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो बनेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए हम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका जो है लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के, ठीक है, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सबसे बड़ी चीज कि मैं हर रोज आपको वो PDF देता हूँ जिससे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, मैच के पहले सारे स्टैट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मैच के 2 घंटे पहले, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां पे मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अगर GL की टीम बनाते हैं तो मैं किस तरीके से अपनी GL की टीम बनाता हूँ या कौन सी GL की टीम बना रहा हूँ मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ, तो एटलीस्ट आपको उससे कुछ आइडिया मिलेगा कि आप अपनी टीम को बनाएंगे और जो है अपना जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, और हम ये इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढना शुरू करते हैं कि पहली चीज आपको ये चीज देखनी है कि जो है किस टीम से हमें कितने प्लेयर लेने हैं, कितने प्लेयर्स लेने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो है हमें कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से प्लेयर्स लेने हैं, और इन दोनों का आंसर जो है छुपा हुआ है आपकी कि आप जो है टीम की टाइप को पहले समझिए, टीम टाइप्स को समझिए, तभी आप इन दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम टाइप्स की, और जो टीम टाइप्स होती हैं वो नियर अबाउट जो है टीम टाइप्स की होती हैं, ठीक है, मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक होती है टीम स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम, है ना, जो मैच होता है वो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का टीम, है ना, वीक मतलब कमजोर टीम है, और दूसरा मैच होता है वीक वर्सेस वीक का टीम, ठीक है, वीक वर्सेस वीक का टीम। तो ये 3 टाइप्स की टीम है, ठीक है, और मैं ये एज्यूम करके पहले से ही मैंने वो बोल दिया है कि मैं हर एक वीडियो को एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टीम बनानी नहीं आती, आप बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, 0 लेवल पे हैं, ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ, तभी जो है मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए वीक वर्सेस एक वीक की टीम होती है, ये 3 टाइप्स की टीम होती हैं। पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम की, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का फंडा क्या है, आपको कौन से प्लेयर्स लेने हैं, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज हम बात करेंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका,
ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे आपसे कि कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा प्लेयर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम बना रहे हैं, तो आप जो है 6-5 के स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हैं, या जो है आप 7-4 के स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हैं। मोस्टली आप प्रेफर करिए हमेशा कि 6-5 के स्ट्रक्चर के साथ ही जाइए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 100 टीमों को एनालाइज किया है, और एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि लगभग 65% से ऊपर जो टीमें हैं वो जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, ठीक है, 65 6-5 की कॉम्बिनेशन को। और जो है 35% टीमें, लगभग 35% टीमें जो है इसको जो है फॉलो करती हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पहला रूल फॉलो किया तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 65% हो जाएगी, और अगर आपने दूसरा किया तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 35% के अराउंड हो जाएगी। ये है दो मैचअप, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7:4 के रेशियो में अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो आप मैच को जीत नहीं सकते, मैं बस आपको आंकड़े दे रहा हूँ कि 7:4 का अगर कॉम्बिनेशन है या फिर 8:3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस में आपने जो है आपकी जो टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 35% है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम जो टीम बनाते हैं तो हम जो है मैक्सिमम साइड होके चलें, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैक्सिमम साइड जो है कितनी बार जीत रहा है, कौन से फॉर्मेशन पे, ठीक। यानी 6-5 की जो टीम है वो जो है 65 बार जीती है 100 मैचेस में से, और 7-4 की जो टीम है या 8-3 की टीम है वो 35 बार जीती है 100 मैचेस में से, ठीक है। तो हम जो टीम बनाने चलेंगे वो किस पे बनाएंगे, अपना 6-5 की है उस पे टीम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इसका जवाब मिल गया होगा, ठीक, कि आपको ये जो 6 और 5 है वो क्या है। 6 का मतलब आप T1 टीम से जो है 6 प्लेयर रख रहे हैं, और T2 टीम से क्या रख रहे हैं, 5 प्लेयर रख रहे हैं। इसका मतलब ये है, सिंपल सा फंडा है ना। अब सेकेंड की हम बात करें कि जो सेकेंड आंसर है कि कौन से प्लेयर लेने चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम है, तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की बात करें तो, ठीक है। एक बैलेंस टीम आपको क्या करना है, बनाना है। बैलेंस टीम तभी बनेगा जिसमें इक्वल जो है, लगभग आपके मान के चलिए कि 7-6 जो है बैट्समैन हूँ, ठीक है, बैट्समैन हूँ, बैटर्स, और जो है 5 जो है आपके क्या हूँ, बॉलर्स हूँ, उनको आप लेके चल सकते हैं। अब ये बॉलर कौन से होने वाले हैं ये डिपेंड करेगा कि पिच रिपोर्ट कैसी है, और हम ये बहुत डीपली बात करेंगे जब हम पिच की बात करना शुरू करेंगे इसी सीरीज में, ठीक है। क्योंकि मैं 32 वीडियो में आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इस सीरीज में मैं 32 वीडियो लेके आऊंगा, और उन 32 वीडियो में मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज को लेके, या बड़ी से छोटे से लेके बड़े तक कवर करने वाला हूँ। तो आप इन 32 वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाने वाली है ना। अब आपको आई होप कि इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया होगा, और स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की जब हम बात करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की टीम की। तो इस सिचुएशन में जैसे आपकी टीम हो गई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, या फिर कोई टीम हो गई इंडिया वर्सेस जो है नेपाल, है ना। तो इन सारी इन ऐसी टीमों की, ऐसी जब टीमें आए आपको, तो आपको किन प्लेयर्स को रखना है और किन प्लेयर्स को नहीं रखना है, पहली चीज की क्या स्ट्रक्चर होने वाला होगा जब आप इस टाइप की टीम बनाते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो 8-3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और 8-3 में मान लीजिए कि 8 प्लेयर कहाँ से होने चाहिए, इंडिया की तरफ से होने चाहिए, और 3 प्लेयर कहाँ से होने चाहिए, नेपाल की तरफ से होने चाहिए, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं तब, ठीक है, इस तरीके की टीम का मैच है तब, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। 8-3 के साथ जा सकते हैं आप, या फिर रेयर केसेस में जो है 7-4 के साथ जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप 8-3 के साथ जाइए। अब इस 8-3 में कौन से बैट्समैन लेने हैं, कौन से प्लेयर्स लेने हैं, या बॉलर लेने हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि टॉस हुआ, ठीक है, टॉस हुआ, और ये वाली टीम, पहली वाली टीम जो है इंडिया टीम, मान लीजिए कि बैटिंग कर रही है ना, बैटिंग कर रही है, तो आपको क्या करना है, यहां से कम 4 बैट्समैन को लेना है, ठीक है, बैट्समैन, ठीक है, और जो है 4 बॉलर लेने हैं, ठीक है। और बॉलर में भी जो टॉप के बॉलर होंगे उनको आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। यानी क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 4 बल्लेबाज का मतलब ये है
कि कोई भी अगर बल्लेबाज आता है, एक नॉर्मल सी टीम है, यानी एक बहुत बड़ा टोटल ये खड़ा करेंगे, और जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होंगे वही चलने वाले हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है चल सकते हैं इस बैटिंग में। टॉप ऑर्डर का एक प्लेयर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, टॉप थ्री में से एक प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए, और इसमें जो है जो टॉप के ओवर्स फेंकते हैं बॉलर्स वो भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ये वाली जो T1 टीम होगी इसके प्लेयर्स रखेंगे। अब हम बात करते हैं T2 टीम की, कौन से प्लेयर्स को रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो होगा, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज या फिर जो है ऑलराउंडर जो इनका होगा, ठीक है, ऑलराउंडर आप उन्हीं को अपनी टीम में रखेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि जब भी हम बात करें क्या नाम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की, तो हमको किस पर्सपेक्टिव में अपनी टीम बनानी है, किसको देखते हुए टीम बनानी है, ऐसा एज्यूम करके टीम बनाना है कि हमारे जो बहुत सारे प्लेयर हों वो स्ट्रॉन्ग वाले टीम से हों, ठीक है, वीक वाले टीम से हमको क्या करना है, ऑलराउंडर्स को लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वीक वर्सेस वीक का मैच है ना, अब उसमें आपको किस तरीके की टीम बनानी है। सबसे पहले तो इसमें आपको जो है बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से टीम बनानी है, ठीक है, बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से टीम बनानी है, ठीक है, कि बॉलर उसमें ज्यादा हो, और इसमें जो है 8-3 का कॉम्बिनेशन होगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 8-3 का होना चाहिए, लेकिन 8-3 में इस स्ट्रक्चर में 8 जो है बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, दोनों टीम को मिला के, और 3 क्या होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए, ठीक है, और ये बॉलर क्या होने चाहिए, बॉलर में से आप ऑलराउंडर भी होंगे, ठीक है, ऑलराउंडर भी होंगे, और इधर क्या होंगे आपके बॉलर्स, प्योर जो बॉलर होते हैं वो होंगे, बट ये जो बॉलर होंगे वो क्या होंगे आपके बॉलिंग ऑलराउंडर होने चाहिए। इस तरीके की आपकी जो है टीम, जब आप वीक वर्सेस वीक की बात करते हैं तो आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी जब भी आप जो है GL के लिए टीम बना रहे हैं, या हेड टू हेड के लिए टीम बना रहे हैं, या फिर जो है स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहे हैं, SL के लिए, ये इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा कमेंट बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए उसको ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद।